श्री राम ने उसको थप्पड़ मारा, तूने जो करना कर, चैट पढ़ ली। टनिशा ने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसको थप्पड़ मारा है वो रोई बहुत। सोशल मीडिया पे तो ये भी बात उठी थी कि शी इज प्रेग्नेंट। अब देखो जब मेरी बात, मेरे को ये कुछ नहीं कहना, शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो करना कर, बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी। वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनिशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए, मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया, जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। मैं सेट पे गई थी और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई टनिशा को। टनिशा थोड़ी सी परेशान थी तो मैं कह बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तू ठीक है ना, कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, हाँ हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी हुआ है उसने किया है कि मम्मा मेरा दो दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा, पर मेरे को कन्फर्मेशन दे, प्रशांत ई पी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो तुम बेटा चले जाओ ठीक है, मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को दो दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसी अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंड ही थी, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनिशा दो दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, दो दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, तो मैं सेट पे जाया हूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया ई पी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनिशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है, शिजान ड्रग्स लेता था, मेरे को टनिशा ने बताया था। क्या बताया था? कि मम्मा शिजान ना नशा वशा करता है सेट पे, बस इसके अलावा उसने मेरे से कोई बात नहीं की। उनकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, आपने तो बहुत बदतमीजी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी, हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलकनाथ उसको दरगाह पे लेकर गई, तो उस आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है, और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है? तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज़ बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है, या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? आप लोग इंतज़ार करेंगे? आप लोग सिर्फ फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ, आप फादर हैं, तो मैं क्या करूँगी? मैं बैठी रहूँगी? पर घर पे डायरेक्ट आ सकती थी वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतज़ार कर रही थी कि टनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी इकलौती बच्ची गई है। इकलौती बच्ची मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के तीन बच्चे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है, और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को देके जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपके लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो देके जा रही है, और वो चली गई है। वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है? आप कर सकती है जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। टनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी वो, मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफ़र कितना मुश्किल हो रहा है, ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है। कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी, मेरे घर की,
वो सबसे छोटी बच्ची थी, वो भले ही 20 साल की थी लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी, आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी, जिसको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो मैं एक लॉजिक आपको देती हूँ। जब हम सेट पे होते हैं और कोई आउटफिट होता है, स्पेशली जब हम मायथो कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन उसी गेटअप में रहते हैं, क्योंकि हमें रेडी होने के लिए बहुत टाइम लगता है। कपड़ों को चेंज करके वापस से निकालें, फिर शॉट में जाएं, ऐसा नहीं होता है। वो जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो ये पिक्चर है, जो कि आप देख सकते हो, टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट की गई है। ये वो पिक्चर है जो टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है, और इसका ये नीचे यहाँ पे थर्ड सेप्टेम्बर लिखा है, और उसका कैप्शन भी है, विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है, और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था, जिसमें ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21, 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं, बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है। इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं, पवन शर्मा जी, कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ। ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं। सवाल पूछे मैडम? जहाँ तक अब बात है वनीता शर्मा के रिलेशनशिप की, फैमिली के साथ जो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, मैं आपको बताऊं, शिजान की बर्थडे पे वनीता शर्मा इनवाइटेड थी। हमारे पास प्रूफ है, फोटोज। 9 सितंबर मैंने लोखंडवाला में पार्टी रखी थी और वो शिजान को साथ में लेके आई हैं अपनी गाड़ी में बैठा के। दूसरा, वो दिवाली पे आई थी, खुद सामने से आई थी हमारे घर में। उसके अलावा अभी टुनिशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी 3 तारीख की रात को। 23 तारीख दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फोन किया था कि फलक, क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो? और मैंने उनको क्लियरली बताया था, आंटी मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रख रही हैं, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया, तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ और तुम लोग उसका, फिर मैंने उनको ये कहा था कि आंटी ठीक है, मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टुनिशा मीडिया नहीं चाहती थी, टुनिशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी, तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को। और ये बात टुनिशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है, तो बात यहाँ पे इस चीज पे खत्म होती है कि उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो गलत है, फैमिली में बराबर इन्वॉल्वमेंट था। जिस दिन ये शूट फर्स्ट एपिसोड इनका लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी वाली दिन वो हमारे घर में थी, हम लोगों ने सेट पे उनका टेलीकास्ट देखा, उसके बाद सारे लोग सीधा एक्टर्स को मिला के, टुनिशा की मदर को मिला के, टुनिशा को मिला के, हम सब घर पे, हमारे घर पे बैठे हुए थे सुबह 4 बजे।